पिछले 5 सालों में Xiaomi इंडिया की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी रही है और इसकी सक्सेस को हम सब ने देखा है। लॉन्च होते ही Xiaomi के फोन्स 1 मिनट में ही खत्म हो जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चन ये है आज ये ब्रांड अपने डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम Xiaomi के राइज एंड फॉल की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। तो दोस्तों 2014 से पहले तक Xiaomi चाइनीज मार्केट में तो बहुत पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में इसने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। यहाँ पे इस ब्रांड के बूम करने का सफल तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन फैशन रिटेलर जोबोंग के को फाउंडर मनु कुमार जैन फंडिंग के लिए 2013 में चाइना गए। वहाँ बीजिंग में चल रहे एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में उनकी मुलाकात Xiaomi के फाउंडर ली जुंग से हुई और उन्हें ली के आइडियाज, बिजनेस मॉडल और अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी स्मार्टफोन बहुत पसंद आए। मनु को लगा कि इंडिया को भी इस तरह के बेहतरीन और अफोर्डेबल फोन्स की जरूरत है, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस के बाद ली जुंग से मिले और ऑफर दिया कि वो Xiaomi के साथ काम करके उनके ऑपरेशन को इंडिया में भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। इस तरह से कई महीनों की प्लानिंग और डिस्कशन के बाद मनु ने जोबोंग को छोड़ दिया और इंडिया में Xiaomi के पहले एम्प्लॉय बने, जिनका मेन पर्पस एक ऐसी टीम बनाना था जो इंडिया में सेल्स, मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स सर्विस को मैनेज कर सके। और फिर जुलाई 2014 में Xiaomi ने अपना पहला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया जिसका नाम था Xiaomi Mi 3। इस फोन में Xiaomi काफी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रहा था जो कि उस समय के दूसरे ब्रांड्स में अवेलेबल नहीं थी, जैसे 5 इंच फुल HD डिस्प्ले, पावरफुल स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, 2GB रैम और 13 MP रियर कैमरा, जो कि 2014 में टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स माने जाते थे। अपने हार्डवेयर एस्पेक्ट्स के अलावा Xiaomi Mi 3 MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था जो हाईली कस्टमाइजेबल और यूजर फ्रेंडली भी था। इस OS ने Mi 3 को मार्केट में अवेलेबल बाकी के एंड्रॉइड स्मार्टफोन से डिफरेंशिएट करने में काफी मदद की। यही वजह थी कि Xiaomi Mi 3 लॉन्च होने से पहले ही लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया था और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये फोन सोल्ड आउट हो गया। लेकिन सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस और हाई स्पेसिफिकेशन ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने इस ब्रांड को इंस्टेंट पॉपुलर बना दिया, बल्कि Xiaomi की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बाकी ब्रांड से काफी अलग थी। अब आज से 10 साल पहले आपको याद होगा कि हम लोकल स्टोर से ज्यादातर अपना फोन खरीदा करते थे, लेकिन आज के टाइम में आप में से मैक्सिमम लोग अपना फोन ऑनलाइन ही ऑर्डर करते होंगे। अब ये बदलाव सडनली नहीं आया था, बल्कि इसकी शुरुआत काफी साल पहले हो चुकी थी और इस बदलाव को सबसे पहले Xiaomi ने ही नोटिस किया था। इसे लोकल ऑफलाइन स्टोर में अपने फोन को लॉन्च करने की बजाय उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुनना ही सही समझा और इसके लिए उसने फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप कर ली। इस पार्टनरशिप का कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिला क्योंकि फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़े कस्टमर के साथ इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस था, इसलिए यहाँ पर फोन को लॉन्च करके Xiaomi काफी आसानी से बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सफल हो गया। अपने पहले स्मार्टफोन की एक बड़ी सक्सेस के बाद Xiaomi ने बैक टू बैक अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस पर बहुत सारे फोनों को लॉन्च किया। लोगों के बीच Redmi Note सीरीज को लेकर भी खूब क्रेज देखने को मिला और इस सीरीज के फोन का लोग महीनों पहले से इंतजार करते थे। इसी क्रेज और डिमांड की वजह से Xiaomi 2017 के एंड तक बाकी के सारे पुराने प्लेयर्स को पीछे करके इंडियन स्मार्टफोन में नंबर वन पे आ गया। अब इसके नंबर वन पर आने के पीछे 3 मेन रीजन है। पहला ये कि लोग उस टाइम पर कीपैड फोन यूज करते थे जिसकी बैटरी काफी लॉन्ग लास्टिंग थी, लेकिन जब वो शुरुआती स्मार्टफोन पर शिफ्ट हुए तो इसकी बैटरी बहुत जल्द लो हो जाती थी और इसी वजह से काफी लोग स्मार्टफोन के साथ साथ एक कीपैड फोन भी रखते थे। लेकिन Xiaomi इंडिया में पहला ऐसा ब्रांड था जिसने इस प्रॉब्लम को समझा और 4000 mAh तक की कैपेसिटी वाली बैटरी के साथ स्मार्टफोन को लॉन्च किया। Xiaomi की सक्सेस का सेकेंड रीजन है कि उस समय सैमसंग और एप्पल मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट में राज करते थे, लेकिन उनका प्राइस इतना ज्यादा था कि मैक्सिमम लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैन यहाँ लो रेंज की कैटेगरी में सिर्फ मैक्रोमैक्स, कार्बन या लावा जैसे ब्रांड्स ही मौजूद थे, लेकिन इन फोन से मिलने वाले खराब यूजर एक्सपीरियंस की वजह से कस्टमर इन सभी फोन से तंग आ चुके थे। इसलिए जब Xiaomi ने अपना स्मार्टफोन मार्केट में उतारना शुरू किया तो इसने इन सभी कमियों को खत्म कर दिया और सिर्फ 2 साल में ही इतना तेजी से ग्रो किया कि बाकी सारे ब्रांड्स पीछे रह गए। 2017 में Xiaomi एक ऐसा ब्रांड था जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा फोन सेल किए थे। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि Xiaomi टीवी एड्स या होर्डिंग पर बिना एक पैसे खर्च किए भी इंडिया में सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। साल 2020 में Xiaomi 28% मार्केट शेयर के साथ टॉप में था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बादशाहत खोने लगा और 2022 में इसका मार्केट शेयर ड्रॉप होकर 16% रह गया। जबकि इसी सेम पीरियड में वीवो और सैमसंग के मार्केट शेयर में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला था। तो फिर क्या रीजन है कि Xiaomi धीरे धीरे अपने कस्टमर को खोता जा रहा है? जिस ब्रांड के लिए लोगों के बीच इतना क्रेज हुआ करता था वो अब इसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आइए अब इसे समझते हैं। पहला, डाउनफॉल इन लो प्राइस सेगमेंट।
तो दोस्तों जब Xiaomi इंडियन मार्केट में एंटर हुआ उस समय बहुत बड़ी संख्या में न्यू स्मार्टफोन यूजर्स बने थे, लेकिन ये आदमी का नेचर है, अगर वो उस टाइम 15,000 का फोन यूज कर रहे थे तो अगली बार 20 या 25,000 का फोन तो यूज करना चाहेंगे, क्योंकि हमें और भी ज्यादा बेटर फीचर्स का एक्सपीरियंस तो करना ही होता है। यही वजह है कि फिलहाल इंडिया में स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट की तरफ यूजर्स काफी तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन Xiaomi के 70-80% स्मार्टफोन 15,000 के अंदर है और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, जिसका असर Xiaomi के मार्केट शेयर में भी देखने को मिल रहा है। अब यही सब देखते हुए Xiaomi ने अपने प्रीमियम सेगमेंट में भी अपने फोन्स लॉन्च किए, लेकिन उसमें अभी तक कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि Xiaomi की ब्रांड इमेज एक अफोर्डेबल फोन वाली हो चुकी है, जिस वजह से लोग इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा रीजन है MIUI एड्स एंड बग्स। एक टाइम पर Xiaomi को बाकी ब्रांड से अलग बनाती थी वो थी शानदार MIUI OS, जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ थी, टाइम पर अपडेट्स भी आते थे और लोगों का एक्सपीरियंस भी ओवरऑल बहुत अच्छा था। हालांकि शुरुआत में इसके अंदर ब्लॉटवेयर और एड जैसे प्रॉब्लम आए, लेकिन इन्हें काफी हद तक सॉल्व कर दिया गया, मगर अभी पिछले कुछ सालों में ये प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ इसमें काफी सारे ब्लॉटवेयर हैं, वहीं दूसरी तरफ यूजर्स बग्स की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। अब अगर आप ब्लॉटवेयर का मतलब नहीं समझते तो इसका मतलब होता है प्री इंस्टॉल ऐप, जो आपके बैटरी पावर और स्टोरेज को खाता है और आप इसे चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब अगर Xiaomi का कोई भी सस्ता फोन लेते हो तो उसके अंदर MIUI में कई तरह के प्रॉब्लम और ब्लॉटवेयर होते हैं, यहाँ तक कि Xiaomi के प्रीमियम फोन भी इससे नहीं बच पाए हैं। ऐसे में प्रीमियम प्राइस पे करने के बावजूद भी अगर उस लेवल की फील ना मिले तो यूजर्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि Xiaomi प्रीमियम सेगमेंट में अपनी लॉयल कस्टमर नहीं बना पा रहा है। रीजन नंबर 3, मदरबोर्ड एंड कैमरा इशू। पिछले कुछ सालों में Xiaomi के फोन्स में GPS इशू, ओवरहीटिंग, पुअर बैटरी लाइफ, लैगी परफॉर्मेंस और नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू देखने को मिले हैं। Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max के कस्टमर ने MIUI 13 अपडेट के बाद कैमरा क्रैशिंग जैसे इशू रिपोर्ट किए हैं। जब वो फोन के रियर कैमरा को ओपन करते थे तब उन्हें एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती थी। इसके अलावा Xiaomi के पोको फोन्स में भी बैटरी बहुत तेजी से खत्म होना, फॉल्टी अपडेट्स और खराब मदरबोर्ड जैसे प्रॉब्लम देखने को मिले, जिसके चलते Xiaomi के पोको X3 Pro फोन्स डेड होते चले गए और इस वजह से Xiaomi से लोगों का भरोसा खत्म होता चला गया। रीजन नंबर 4, नो हीरो प्रोडक्ट। रेडमी के नोट सीरीज हमेशा से Xiaomi का हीरो प्रोडक्ट रहा था, एंड ऐसे में इस ब्रांड का कोई और फोन ज्यादा पॉपुलर नहीं भी होता तो इससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि रेडमी नोट 3, 4 या 5, 6 और भी इस सीरीज के कई सारे फोन इतने पॉपुलर थे कि वो हमेशा से डिमांड में रहते थे, जिससे कंपनी की कमाई होती रहती थी, ब्रांड इमेज भी बनी रहती थी। लेकिन अब इस नोट सीरीज का क्रेज बहुत हद तक कम हो गया है और इसकी वजह है इस सीरीज की फोन्स में आने वाली प्रॉब्लम। साथ ही उसी प्राइस रेंज में अब वन प्लस, वीवो और सैमसंग के फोन्स अवेलेबल है, जो कि बेहतर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल Xiaomi के सेल्स में काफी कमी आई और वन प्लस का नॉट सी 2 स्मार्टफोन मोस्ट सेलिंग बन गया। रीजन नंबर 4, की पीपल्स लेफ्ट द कंपनी। 2 जुलाई 2021 में Xiaomi को इंडिया में स्टेबल करने वाले मनु कुमार जैन चुपचाप बेंगलुरु से दुबई मूव कर गए, जिसके बाद इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर बना दिया गया, मगर बाद में इन्होंने डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब इनका कंपनी छोड़कर जाना भी कंपनी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये शुरुआत से ही हर ऑपरेशन को काफी अच्छे से समझते थे, साथ ही इंडियन कस्टमर के बिहेवियर से भी काफी अवेयर थे। इंडिया में मनु Xiaomi का फेस बन गए थे, जिस वजह से उनके जाने पर कस्टमर काफी डिसअपॉइंट हुए। रीजन नंबर 5 और लास्ट, वास्ट प्रोडक्ट लाइन। दोस्तों Xiaomi के डाउनफॉल का एक रीजन था इसका वास्ट प्रोडक्ट लाइन, जो लोगों को कंफ्यूज करने लगा था। Xiaomi लगभग सेम प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन्स इंडिया में लॉन्च कर रहा था, जिसकी वजह से लोग Xiaomi के फोन्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम फेस करने लगे और कोई भी स्मार्टफोन एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं डेवलप कर पा रहा था। इन्हीं सभी रीजन की वजह से इंडिया स्मार्टफोन मार्केट का ये किंग आज बहुत ही तेजी से अपने डाउनफॉल की तरफ बढ़ रहा है। अब Xiaomi मार्केट में फिर से वापसी कर पाएगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। जय हिंद।